सो फाइनली दोस्तों हैमस्टर कॉम्बिट की जो लिस्टिंग है दोस्तों वो यहाँ पर फाइनली हो चुकी है। एंड यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो मुझे यहाँ पर टोटल हैमस्टर मिले थे वो यहाँ पे 3067 HMSTR टोकन मिला था, जो कि यहाँ पर अब मेरे ट्रांसफर हो चुके हैं बाइनेंस के अंदर 2707 क्वाइन, जो कि अब मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने इसे यहाँ पर सेल करने वाला हूँ आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ के साथ अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर चल के। तो कैसे करना है, क्या ट्रिक है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग भी अपने हैमस्टर क्वाइन सेल करना चाहते हो, हैमस्टर टोकन सेल करना चाहते हो तो कैसे करना, चलो सब कुछ आप यहां पे आप सभी को बताता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पर इसे कट करते हैं। कट करने के बाद हम लोग सिंपली यहां पे क्या करेंगे कि हम लोग यहां पे दोस्तों अपना बाइनेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद दोस्तों हम लोगों को यहां पर होम के ऑप्शन में यहां पर आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस में यहां पर मुझे यहां पर $22 दिखा रहा है, बट हम लोग को क्या करना है कि हमें सिंपली यहां पर वॉलेट वाले सेक्शन में चलना है अपने HMSTR टोकन को यहाँ पे सेल करने के लिए, क्वाइन को सेल करने के लिए हम लोग वॉलेट वाले ऑप्शन में चलेंगे। एंड उसके बाद हम लोग को जैसे कि आप देख सकते हो 2707 क्वाइन मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं हैमस्टर की तरफ से, ठीक है। HMSTR टोकन यहाँ पे आप देख सकते हो 2707 क्वाइन, हम इस पर सिंपली अगर क्लिक करते हैं ना दोस्तों तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ पर मेरे को जो क्वाइन है 2707 क्वाइन यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे सेल करना चाह रहा हूँ, तो इसे सेल करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जैसे ही ट्रेड वाले ऑप्शन पर हमें सबसे पहले तो क्लिक करना है, ठीक। आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड का एक ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है, तो हम लोग सिंपली ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर अगर आपका किसी और पर होगा ना दोस्तों तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको स्पॉट वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पर स्पॉट वाले सेक्शन को यहाँ पर ओपन कर लेना है, यानी कि इस पर ही क्लिक होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर क्लिक होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर USDT का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो आपको क्या करना है इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है USDT पर, ठीक है। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है HMSTR। अब इतना टाइप करने के बाद आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसे यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है। अब इसे हम लोग यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपका जो बाय का ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है सिंपली यहाँ पर सेल वाले इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। सबसे पहला काम आप करना सेल वाले आइकॉन पर यहां पे क्लिक कर देना। अब इतना करने के बाद अब यहां पर आप देखोगे कि आपकी जो अवेलेबल बैलेंस है यानी कि जो HMSTR जो टोकन है वो आपके यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो जो 2707 क्वाइन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और इसकी जो प्राइस है वो लगभग अगर मैं सब बेचूंगा तो मुझे यहाँ पर $22 कुछ यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आया हुआ है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको या सबसे पहले सेट करना होगा कि आपको अपना जो क्वाइन है कितना बेचना है। ये सेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो आप इसे यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो, कितना परसेंट आपको बेचना है, आपको 10% बेचना है, 20%, 50%, 60%, 70%, 80%, या फिर अगर पूरा बेचना है ना दोस्तों तो आपको 100% कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 100% कर दिया, तो यहाँ पर जो अमाउंट था वो मेरा फुल यहाँ पर 2707 क्वाइन आ चुके हैं। एंड यहाँ पर मुझे कुछ मिलेगा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो $22 यानी $22 के करीब, यहाँ पर $22 से ज़्यादा यहाँ पर मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सब कुछ सेट हो चुका है। अब तो इस तरह से पूरा सब कुछ सेट करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि अभी यहाँ पर जब ये लिस्टिंग हुई थी ना तो मुझे यहाँ पर पूरा जब मैं बेचता तो $27 मिल रहा था मेरे को, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के चक्कर में देर हो गया एंड अब यहाँ पर $5 का लॉस हो रहा है मेरे को, आप समझ लो। अगर आप यहाँ पर जल्दी सेल नहीं करते तो आपको भी यहाँ पे लॉस हो सकता है, ओके दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि तुरंत इसे यहाँ पर सेल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर $5 का तुरंत ही लॉस हो गया है। अगर मैं तुरंत अगर सेल कर देता जैसे ही लिस्ट हुआ था, जैसे ही मैं आपको बता दूँ लिस्ट हुआ मैंने चेक किया तो यहाँ पर मेरा $27 था, बट अभी यहाँ पर जैसे जैसे आधा घंटा हो चुका है अब इसकी जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं परचेस कर लेता उसे यहाँ पर, सॉरी सेल कर देता उसके बाद मैं बाद में परचेस करता, जैसे कि मैं यहाँ पर अब $22 हो चुके हैं तो मैं परचेस कर सकता था, यानी बाय कर सकता था HMSTR टोकन को, तो मुझे $5 का देखने को मिलता फ़ायदा अगर मैं फिर से यहाँ पर बाय करता तो। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये क्रिप्टो करेंसी का जो है मार्केट क्या रहता है। अगर मैं तो उस समय सेल कर देता और उसके बाद यहाँ पर बाय करता $22 पे तो मुझे यहाँ पर $5 का जो है वो फायदा होता। तो मैं इसे यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ, चलो छोड़ो इस बात को, तो मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। तो सेल करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर $22 मुझे इतने क्वाइन में मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अब यहाँ पर सब कुछ सेट करने के बाद सेल HMSTR वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक आउट कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर करता हूँ
क्लिक। अब जैसे क्लिक कर दूंगा उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट करने को बता रहा है, तो क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड उसके बाद यहाँ पर आपको यस आई एम वाले ऑप्शन पर कर देना एंड फिर से यहाँ पर यस आई एम एंड उसके बाद आई विल बी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर क्लिक करके कन्फर्म कर देना, ठीक है। अब जैसे क्लिक कर दोगे उसके बाद अब यहाँ पर हमको सेल एच एम एस टी आर पर फिर से क्लिक करना होगा दोस्तों, ठीक है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सेल एच एम एस टी आर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ऑर्डर क्रिएटेड हो चुका है, यहाँ पर ऑर्डर लग चुका है एंड हमारा जो कॉइन है दोस्तों वो यहाँ पे सेल हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो जो अवेलेबल बैलेंस है, अब मेरा यहाँ पर एक भी टोकन नहीं बचा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जो फंडिंग है दोस्तों यानी कि जो हमारे डॉलर है वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको वो भी मैं बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर होम वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि होम वाले सेक्शन में हम लोग चलेंगे एंड यहाँ पर देख सकते हो यूएसडीटी मुझे यहाँ पर $23, हालाँकि कुछ सख्त लगता है इसका जो डॉलर था वो दोस्तों यहाँ पर बढ़ चुके हैं, मुझे यहाँ पर परचेस करते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत लगता है बढ़ा है। एंड अब यहाँ पर दोस्तों मेरे बाइनेंस के होम वाले सेक्शन में ये जो $23.10 देखने को मिल रहे हैं, अब मैं इसे चाहे जितना भी रिफ्रेश करूंगा ये घटे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अब ये मेरा जो पैसा है वो फिक्स हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब अपने हेमेस्टर कॉइन को सेल किए तो मुझे इसके बदले में इतनी जो है यूएसडीटी यूएस डॉलर मिले हैं, जो कि अब यहाँ पर ये घटे बढ़ेगा नहीं। जब मैं इसे यहाँ पर अपने जो है सेल करूँगा इस डॉलर को यूएसडीटी को सेल करूँगा तभी यहाँ पर ये घटेगा, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे इतने डॉलर मिले हैं। तो आप अपना जो पैसा है वो कैसे देख सकते हो, कहाँ कहाँ देख सकते हो, यहाँ पर तो देखने को मिलेगा ही एंड आप एक जगह से और देख सकते हो वॉलेट वाले सेक्शन में जाओगे। यहाँ पे वॉलेट वाले सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे विड्रॉल वाले ऑप्शन में जब जाओगे ना दोस्तों तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो कि आपको यहाँ पर कितने पैसे मिले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 23.1035 इस तरह से यहाँ पर आपको मिले हैं डॉलर, जैसे कि मेरे को यहाँ पर यूएसडीटी मिली है हेमेस्टर कॉइन के बदले 2707 कॉइन जो मैंने यहाँ पर सेल की हैं। एंड अब बात करते हैं ये जो पैसे हैं ये जो डॉलर हैं दोस्तों उसे मैं यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, INR के जरिए अपना जो पैसा कैसे ले सकता हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर वॉलेट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पे आपको P2P वाले इस ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग P2P वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना उसके बाद अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दो ऑप्शन यहाँ पर बाई एंड सेल का, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें तो अपनी USDT को सेल करना है तो आपका यहाँ पर बाय सेलेक्ट होगा तो आपको सेल वाले आइकॉन पर यहाँ पे क्लिक आउट कर देना दोस्तों, ओके। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसके बाद यहाँ पर आपको अवेलेबल वाले ऑप्शन में जितनी भी USDT आपको सेल करनी है उतना आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर 23 USDT है तो मैं यहाँ पर 10 USDT सेल करना चाहता हूँ जिसके बदले मुझे INR पैसे मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर 10 यहाँ पर क्लिक कर दूंगा एंड उसके बाद सेलेक्ट पेमेंट वगैरह यहाँ पर जो भी सेट करना चाहते हो वहाँ पर कर लेना एंड उसके बदले में आपको INR में पैसे मिल जाएंगे, जो आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में दोस्तों इजीली अपने पैसे को यहाँ पे विड्रॉ कर लोगे इजीली तरीके से, कोई भी बिना दिक्कत बिना किसी परेशानी के, ओके। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि आप लोग किस तरह से अपने हेमेस्टर कॉइन को सेल करोगे एंड उसके बाद उन सेल कॉइन करने के बाद आपको जो यूएस डॉलर मिलेंगे USDT मिलेगी उसको आप लोग अपने बैंक में कैसे पैसा लोगे, सब कुछ यहाँ पर मैंने आप सभी को दोस्तों यहाँ पर क्लियर बता दिया है, क्लियर समझा दिया है कि आप लोग किस तरह से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हो यहाँ पर USDT को सेल करके एंड जो टोकन मिले हैं उसको सेल करके, सब कुछ यहाँ पर मैंने पूरा आपको स्टेप बाई स्टेप बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके कल में जो बेल का आइकन देगा उसको भी दबा करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर लेगा ताकि आपको अपनी वीडियो के जो अपडेट वो लगातार मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर से किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक क्लिप बाय दोस्तों।